अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ 2 में आपको खुशामदीद। नया आर्मी चीफ कौन? अस्करी क़यादत की तरफ से दो नाम ज़ेरे गौर। आर्मी चीफ का फैसला खुद करने का ऐलान। समरी वज़ीर आज़म को नहीं भेजी जाएगी। नया आर्मी चीफ का ऐलान 27 नवंबर को होना है, लेकिन समरी अभी तक वज़ीर आज़म हाउस को नहीं भेजी गई। अस्करी क़यादत किन दो नामों में से एक का इंतखाब करेगी? बताने से पहले आप हामिद मीर का ये क्लिप सुनिए जिसमे वो बता रहे हैं की इस दफा फैसला लंदन नहीं बल्कि GHQ में होगा। ज्वाइन करने के लिए मिर्सा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो मुशावरत के लिए ही लंदन आए हैं। वज़ीर आज़म भी, ख्वाजा आसिफ भी नवाज़ साहब से मुशावरत करने के लिए। आज आपके प्रोग्राम में कह दिया कि कोई फैसला नहीं हुआ है, समरी भी नहीं मूव हुई है। इमरान खान साहब मुसलसल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आज भी बढ़ाया। वैसे भी क्या हो रहा है, कहेगा ये समरी आ नहीं रही है, क्या हो रहा है? खैर से और फिर सारा आसानी से हो जाएगा ना मामला? भाई असल में मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है इस इशू पे, और ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान का मसला नंबर वन है कि आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा। देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं वो बात करूंगा जो कि ब्लैक एंड वाइट में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो रावलपिंडी में है, GHQ के पास है, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है वो इस्लामाबाद में है। तो जब तक के GHQ से एक समरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ना भिजवाई जाए जिसमें वो नाम भेजते हैं, 3 या 4 या 5 नाम भेजते हैं, और वो समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ना भिजवाई जाए, तो उस वक्त तक आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि जनाब कौन आर्मी चीफ होगा और कौन नहीं होगा? क्यों नाम भिजवाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो समरी बना के आगे भेजेगी तो तभी मुशावरत शुरू होगी ना। तो उससे पहले तो मुशावरत शुरू नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोग आपस में बैठे हैं लंदन में तो बातचीत तो कर सकते हैं इस मामले पे, लेकिन फैसला जो है वो लंदन में नहीं हो सकता, फैसला तो इस्लामाबाद में होगा।